देखिए, पहले हमको ये समझना है ये 17.5 साल से 21 साल, जो पहले साल के लिए 2 साल बढ़ाया गया तो 23 साल, ये निकलेगा कौन सी उम्र में? इसकी कम से कम उम्र होगी 21 साल, ज्यादा से ज्यादा 25 साल। आप में से बताइए कि 27 साल या 25 साल की उम्र में कितनों को जॉब लग गई थी? आपको इसका आंसर देने की जरूरत नहीं है, बट आपको मालूम है कि 25 साल के अंदर आपकी जॉब कहाँ थी कहाँ नहीं थी। कमिंग बैक, आप 10वीं क्लास पास है जब आप हमारे साथ आए, 70% से लेकर 60% तक 10वीं क्लास पास हुए। क्या प्रावधान करा गया है कि आपको 12वीं क्लास सर्टिफिकेट दिया जाएगा? इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरी तरह यहाँ पे क्लासरूम में बैठेंगे, ऐसे नहीं है। आजकल स्किल इंडिया, फिट इंडिया, ये सब प्रावधान है। पूरे फौज के अंदर आज जैसे 14 लाख सैनिक हैं, ये 14 लाख सैनिक आपको 1 घंटे में आप बोले तो आपका 5 किलो वजन घटा सकते हैं, आप अगर बोले 1 महीने में 6 किलो घटाना है वो घटा सकते हैं, ये उनकी स्किल है। आप लोग सब जा रहे हैं, फीस दे रहे हैं एक क्या कहते हैं जिम के अंदर, ये उसको अपने आप इंग्रेन होती है, ये हम रोज करते हैं। देयर इज नथिंग कॉल्ड अ सैटरडे संडे, ये उस बेचारे के लिए वो नहीं है, तो वो सब जगह ये कर रहा है। तो ये स्टार्ट पॉइंट है उसका, उसको फिट रखना हमारा काम है, बिकॉज उसका काम जो अल्टीमेटली उसको प्रोड्यूस करना है फौज की और देश की रक्षा के लिए, ये चाहिए उसके लिए। साथ साथ में लॉजिस्टिक्स, आपने आज नाम सुना अमेजॉन फ्लिपकार्ट एक्सेट्रा का, ये हमारी फौज में जिस दिन से हम खड़े हुए हैं उस दिन से है। सिर्फ हम पैकेट के अलावा बम लेके चलते हैं जो देश के भीतर से चलता है और फाइनली अक्रॉस द बॉर्डर डिलीवर होता है। ये कैसे होता है? इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स और ये जवान सीखता है और करता है। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये 10 साल में सीख रहा है, आई एम वेरी सॉरी, ये 10 साल में नहीं सीखता। अगर वो 1 साल में नहीं सीखेगा, उसको कुछ देर की 6-7 महीने ट्रेनिंग, फिर वो ऑन द जॉब ट्रेनिंग करता है हमारे साथ एंड इज रेडी फॉर इट। नाउ कमिंग टू इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑल इक्विपमेंट, चाहे वो शिपिंग हो, चाहे वो हवाई जहाज हो, चाहे वो टैंक हो, वो मर्सिडीज या मारुति कार से बहुत सोफिस्टिकेटेड है। तो ये एक ऐसे इक्विपमेंट हैंडल कर रहा है जो कंटेम्प्रेरी है, इट इज नॉट जो हम रोज चीजों के साथ छेड़ रहे हैं। मैं बात ही नहीं कर रहा रडार मिसाइल सिस्टम्स वगैरह की, बिकॉज आप सबको पता है ये होगा। उसके बाद उसको डिग्री दी जा रही है जो चौथे पॉइंट पे लिखा हुआ है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग, जब ये मतलब युवक 25 साल का बाहर आएगा, ये स्किल तो होगा ही होगा। सबसे जरूरी स्किल एक इंसान को चाहिए डिसिप्लिन, ही विल बी रेडी विद द डिसिप्लिन। आप किसी इंडस्ट्री से पूछ लीजिए, भाई तेरे को क्या चाहिए, बोले यार डिसिप्लिन हो गया मेरा, 60% जॉब इज ओवर, मैं उसको ब्रिजिंग कोर्स करके दूंगा, कुछ ट्रेनिंग करके दूंगा सो दैट वो मेरे काम आ सके। ये सब करेंगे, बट ऐसा है 14 तारीख को ये स्कीम लॉन्च हो और अगर हम सोचें कि 18-19 को पेपर के ऊपर लिख के दे दिया जाए कि इतने परसेंट नहीं, बिकॉज हमने ये स्कीम लोगों के साथ शेयर नहीं करी थी, सिर्फ उनको बताया था कि आप अपनी तैयारी कर लो और तैयार रहना। तो इसी तरीके से ये सब ने प्रावधान करें। सबसे पहले 15 तारीख को सुबह मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने बोला कि हम रिजर्वेशन करेंगे, उन्होंने ये नहीं बोला कितनी परसेंटेज करेंगे, उन्होंने बोला प्रेफरेंस देंगे सीएपीएफ में। जैसे ही 3 दिन निकले, और ये प्लान था, इसको ये मत सोचिएगा उन्होंने 4 जगह में देखी कुछ हरकतें होती हैं आर्सन की वजह से हुआ, नो, ये प्लान था। ये क्यों प्लान था? बिकॉज मालूम था कि ये 75% जो युवक हैं इतनी देर फौज, 4 साल फौज के रहने के बाद ये देश में वापस जाएंगे, देश की ताकत है ये 25% का तो हम ध्यान रख लेंगे, उनके साथ क्या करना है कैसे करना है वो हमारे पे छोड़ दीजिए, बट सबके दिमाग में ये आ रहा है 75% के साथ क्या होगा। ये अगर देश की ताकत है तो पूरे देश को, होल ऑफ द गवर्नमेंट, सबकी भागीदारी के साथ इसको आगे ले जाया गया। तो पहले एमएचए ने हमको बोला प्रेफरेंस दी जाएगी, विद इन 3 डेज उन्होंने बोला 10% रिजर्वेशन इन सीएपीएफ एंड असम राइफल्स। देन एज रिलैक्सेशन दी। एज रिलैक्सेशन क्यों दी? बिकॉज हमने पहले दिन बोला था कि जो कोविड की वजह से 21 साल के नहीं रह पाए वो 23 साल के हो गए, तो वो 2 साल बढ़ गई। हाउएवर उसके 3 दिन बाद एमएचए ने बोला अच्छा वो युवक जो 21 साल में मेरे पास आने थे वो अब 23 के हो गए, तो उन्होंने फर्स्ट बैच के लिए ये स्पेशल कंसेशन दिया है टू इंक्रीज द एज। व्हाई? बिकॉज सबके सब यूथ के साथ कनेक्टेड है, उनको मालूम है देश का भविष्य, यूथ का भविष्य एकदम इंटीग्रेटेड है। कम टू मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर कई सारी चीजें हैं, जैसे आपके सामने लिखा है कोस्ट गार्ड, डिफेंस सिविलियंस, डीपीएसयूज हैं, उन्होंने भी सेम प्रावधान करा है। अगेन रिपीट कर रहा हूं, ये प्लान्ड था कि कितना परसेंटेज दिया जाएगा, क्यों? बिकॉज 75% देश की ताकत है। एज रिलैक्सेशन सेम थिंग। कमिंग टू मर्चेंट नेवी, इंडियन नेवी एक ही इसमें क्वालिफाई होती है, उन्होंने भी प्रावधान करा है कि हम इनको लेंगे। जो सबसे जरूरी चीज है जो अगली 2 बुलेट्स में है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड प्लस मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन। इन्होंने बोला मैं 12वीं क्लास करवा के दूंगा आपको, और इसका मतलब है कि दे विल गेट अ प्रॉपर स्किल सर्टिफिकेट विच विल बी गवर्न्ड, नॉट दैट मैं जो अपने लेटर पैड पे साइन करके देता हूं टू होम सेवर इट मे कंसर्न, नो, इट इज अ प्रॉपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सर्टिफिकेट जो रिकग्नाइज करा जाएगा जब आप बाहर जाएंगे। पहले उसकी स्किल्स कैप्चर करी जाएंगी जिसके ऊपर काम शुरू हो गया है, और 1 महीने के अंदर ये पता चल जाएगा कि भैया इसकी ये स्किल्स हैं, चाहे वो नेवी का हो, चाहे वो एयरफोर्स का, चाहे वो आर्मी का। देन उसे डिप्लोमा ऑब्लिक डिग्री, दैट इज द 4th बुलेट प्रोग्राम फॉर 12th पास, इसका पे काम चल रहा है।
ओके, 4-5 महीने में ये भी तैयार हो जाएगा, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ब्रिजिंग कोर्सेज, ये ब्रिजिंग कोर्सेज कौन से हैं? ये ब्रिजिंग कोर्सेज वो कोर्स है, मैं आज अग्निवीर 25 साल का बाहर निकला, मैं वॉलंटियर हूं, अगर मैं फौज में रहना चाहता हूं रहूंगा, नहीं रहना चाहता नहीं रहूंगा। मेरे पास कुछ किस्म की कोश है, 11.7 लाख, जिसके साथ मैं अपने गांव में वापस जाऊं, अगर चाहूं तो कुछ कर सकता हूं, अपना खुद का नहीं करना। तो आपको ब्रिजिंग कोर्स का प्रावधान है, ब्रिजिंग कोर्स वो कोर्स है सो दैट अगर आप किसी इंडस्ट्री में जा रहे हैं, उससे पहले आपको क्या स्किल डेवलप करनी है, उसकी मोडालिटीज की, पैसे कौन देगा एंड उसकी फीस कौन भरेगा, वो सब करी जा रही है। अगर आप चाहते हैं उसको हायर एजुकेशन करनी है, या उस युवा में या युवका में ये मेंटल रिक्वायरमेंट है कि उसको ऊपर पढ़ना है, तो वो पढ़ेगा। उसके लिए मोका जो एविएशन का ध्यान रखता है, उन्होंने भी बोला है दिस इज ऑफ कोर्स प्योर फॉर एयरफोर्स, एंड कुछ इसके अंदर योगदान नेवी एंड आर्मी का भी होगा, बट मेजर एयरफोर्स का होगा, एटीसी एक्सेट्रा। तो वो ये सब उन्होंने बोल दिया है कि एयरक्राफ्ट ओवरऑलिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा यहां पे प्रावधान करेंगे। जो नेक्स्ट देन स्टेट गवर्नमेंट्स, स्टेट पुलिस, आपने ये स्टेटमेंट पढ़ी होगी, ये एमएचए ने स्टेटमेंट दी थी जिसके अंदर उन्होंने दोनों चीजें कवर करी थी, नंबर एक सीएपीएफ और उसके साथ में स्टेट पुलिस, दोनों में रिक्रूटमेंट कर दीजिए। 4 प्रदेश तो ऐसे हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, जिन्होंने बोला है कि जितने लोग अग्निवीर वापस आएंगे मैं सबको जॉब दूंगा, सबको। तो आप गूगल करिए, आपको मिल जाएगा वो कौन सी स्टेट्स हैं। कॉर्पोरेट अफेयर्स, देखिए मैंने बैंक लोन का शुरू में बताया था, बैंक लोन का प्रावधान ऐसे है, मैं जैसे कि मैंने आपको बताया मैं 11.5-12 लाख लेके बाहर निकला, तो बैंक से हमने ये बात करी है कि आप अगर मैं एक एंटरप्रेन्योर छोटा मोटा बनना चाहता हूं तो आप मुझे क्रेडिट दे सकते हैं। वो प्रावधान कर रहे हैं कि क्रेडिट देंगे इस 12 लाख के ऊपर इक्वल अमाउंट का, अगर अगले साल आपकी क्रेडिट रेटिंग ठीक रही तो दे विल उस अमाउंट को थोड़ा सा ऊपर करेंगे और वो अमाउंट 3-4 लाख ऊपर ले जाएंगे। तीसरे साल के अंदर अगर आपने अपना जो भी व्यवसाय चला रहे हैं ठीक चलाए तो आपका ये जो लोन की चीज है ये थोड़ी और ऊपर चली जाएगी, उसके बाद हम हैंड होल्डिंग बंद कर देंगे एंड वो और उसका बैंक के साथ वो चलता जाएगा आगे। देन जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है एंड इंश्योरेंस कंपनीज है, फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, ये सब अग्निवीर के लिए पैकेजेस क्रेडिट स्कीम्स बनाएंगे, बट ये जो इंटेंशन है एक्शन में कन्वर्ट करने के लिए उनको कुछ समय देना पड़ेगा। हमको ये ध्यान में रखना है अगर अग्निवीर आज भर्ती हुआ तो 4.5 साल के बाद बाहर निकलेगा, तो 4.5 साल के बाद जब निकलेगा ये सब प्रावधान लिखे हुए होंगे इन प्रॉपर नोटिफिकेशंस, नॉट ये जिस तरीके से मैं आपको प्रेजेंटेशन दे रहा हूं। कॉर्पोरेट हाउसेज ने सबने बोला है वो धीरे धीरे आएंगे, आप देखेंगे उनको। CII ने तो 15 तारीख को ये एडवर्टाइजमेंट दे दी थी कि हम इस स्कीम को वेलकम करते हैं, उनको पता है कि अग्निवीर उनके बहुत काम आएंगे आगे आने वाले टाइम में। वो नेक्स्ट, मैं इसके साथ इसका जो आपको प्रेजेंटेशन देनी थी इसको समाप्त करता हूं। अगर आपके पास जो भी किस्म के सवाल हो वो आप खुशी से पूछिएगा। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा एयर मार्शल झा से अपने स्टेटमेंट के लिए। नमस्कार एवरीबॉडी, मैं आपके माध्यम से एक जरूरी सूचना अपने यूथ को देना चाहता हूं कि इंडियन एयरफोर्स भारतीय वायुसेना में अग्निवीर बैच 1 of 22 के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 24 जून से शुरू हो जाएगी। ये एक ऑनलाइन सिस्टम है जो हमारा वेल स्टैब्लिश्ड स्टार एग्जामिनेशन सिस्टम है, उसी के तहत ये नोटिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन चालू होगी। इसके ठीक एक महीने बाद 24 जुलाई से जो फेज 1 ऑनलाइन एग्जामिनेशन है उसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और दिसंबर के अंत तक हम पहले बैच अग्निवीर को एनरोल कर लेंगे और 30 दिसंबर से पहले बैच की ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। फॉर द बेनिफिट ऑफ व्यूअर्स इन इंग्लिश, द नोटिफिकेशन एंड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फॉर द एनरोलमेंट ऑफ फर्स्ट बैच ऑफ अग्निवीर्स इनटू द इंडियन एयरफोर्स विल गो लाइव ऑनलाइन ऑन 24th of June। एग्जैक्टली 1 month लेटर ऑन 24th of July the well-established system of online examination for phase 1 will commence, and before the end of the year the first batch, the intake 1 of 22 for Agniveer for Indian Air Force will be enrolled, and 30th December is the date on which the training for intake 1 of 22 will commence. Thank you sir. I'll request Vice Admiral DK Tripathi from the Indian Navy please. Good afternoon ladies and gentlemen. Hum logon ne भारतीय नौसेना ने, आपकी नौसेना ने जो कि रिक्रूटमेंट प्रक्रिया है उस पर पूरा काम कर लिया है ऑलरेडी, और अगले 2-3 दिनों में 25 जून तक हम लोग अपना जो एडवर्टीजमेंट है वो मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग को भेज देंगे। उसके बाद जैसा कि एयरफोर्स ने बताया, कैन यू हियर मी नाउ? ओके सॉरी, फिर से शुरू करता हूं मैं। तो जैसे कि एयरफोर्स ने बताया कि हम लोग ने भी अपनी रिक्रूटमेंट प्रक्रिया शुरू कर दी है और अगले 2-3 दिनों में 25 जून तक जो हमारा एडवर्टीजमेंट है वो मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग में पहुंच जाएगा।
एयरफोर्स की तरह हमारा रिक्रूटमेंट भी ऑनलाइन होता है और वो भी एक महीने के अंदर जो हमारे स्टेप्स हैं रिक्रूटमेंट के वो सब शुरू हो जाएंगे। और मुझे हमारी जो टाइम लाइन्स हैं उसके हिसाब से 21 नवंबर जो हमने डेट सुनी है 21 नवंबर को हमारा फर्स्ट अग्निवीर हमारी जो बेसिक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है आईएनएस चिल्का उड़ीसा में वहां पर रिपोर्ट करना शुरू कर देगा। और जैसा कि आपको पता है हमारे नौसेना अध्यक्ष ने पहले भी बताया था कि हम लोग अग्निवीर जो हमारे आएंगे नेवी में वो जेंडर न्यूट्रल रहेंगे, तो विमेन अग्निवीर भी हम लोग ले रहे हैं और उसके लिए अपनी जो हमारी ट्रेनिंग करिकुलम है जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी मॉडिफिकेशन करना है वो काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है। तो मैं 21 नवंबर का वेट करता हूं और मुझे आशा है कि बोथ मेल एंड फीमेल अग्निवीर विल रिपोर्ट एट आईएनएस चिल्का। थैंक यू। I'll request Lieutenant General C.B. Ponnappa, Adjutant General Indian Army. Good afternoon, ladies and gentlemen. आर्मी का जो ये अग्निवीर का जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है ये हम ऑलरेडी वेबसाइट पे लगा चुके हैं टर्म्स एंड कंडीशंस एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। कल हम इसका जो ड्राफ्ट नोटिफिकेशन भी लगा देंगे। ऑन 1 जुलाई वी विल हैव द नोटिफिकेशंस फ्रॉम ऑल द रिक्रूटिंग ऑफिसर्स और उसके बाद ये अपना अपना एप्लीकेशन एंड रजिस्ट्रेशन शुरू कर सकते हैं ज्वाइन इंडिया आर्मी वेबसाइट पर। पहला जो रैलीज है हमारा ये 1st half of August में शुरू हो जाएंगे। हमारा सिस्टम ऑफ रिक्रूटमेंट थोड़ा सा फर्क है, इसमें हमारा पहला रैलीज होते हैं फिजिकल टेस्ट एंड मेडिकल, उसके बाद हमारा जो एंट्रेंस एग्जाम होता है एंड देन वी सेंड फॉर अ कॉल अप एज पर द मेरिट। तो इसलिए हमारा जो रैलीज अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर चलेगा। ये 2 बैचेस में हमारा इंडक्शन होंगे इनटू द ट्रेनिंग सेंटर्स। पहला जो लॉट है जो ज्यादातर तकरीबन 25,000 के आसपास है वो आएंगे बाय December 1st week और December 2nd week। द नेक्स्ट लॉट विल कम इन द 1st half of February 2023। इन दिस होल अप्रोक्सीमेटली 40,000 of the recruits for the Agnipath system will be inducted. ये जो rallies है हमारा तकरीबन 83 rallies होना है all across the country. All states are going to be covered and we will endeavor to touch every last village in the country. Thank you. Jai Hind. Thank you sir. You can switch off your mic. Okay, ladies and gentlemen, the house is open for questions. Please raise your hand. So once I indicate who should speak, please give out your name and okay, Nandita, DD. I'm Nandita Dagar from Doordarshan News. Sir, are the armed forces recommending anything to the government and the Ministry of Defence that the people who have been identified for causing arson, sabotage, vandalizing railway coaches and buses and other such criminal activities, that they be barred from any recruitment of Agniveers or Agnipath ever in the future? Are you thinking on those lines or not, sir? Thank you. Chanpuri sir. Nandita, that's an excellent question, but main iska jawab Hindi mein dunga. Sorry. Nandita, it's an excellent question. Iska jawab main Hindi mein dunga. Do cheeze iske andar. Pehli, Bharatiya Sena ki foundation hai discipline. No space. No space for no arson. Anger aap khushi se dikhaiye. Koi problem nahi hai. No, vartalab kariye. Koi problem nahi. But arson, vandalism, no space. जस्ट नो स्पेस। अब जो नंदिता ने पूछा इसको कैसा कैसे करा जाएगा, देखिए आप लोग न्यूज पढ़ रहे हैं, काफी बच्चे जो इसके अंदर पार्ट ले रहे थे वो ले लिए, उनको डाल दिया गया जेल में कई जगह के अंदर। अब इनको उकसारा कौन था? दो किस्म के लोग थे, एक इनिमिकल एलिमेंट्स, दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूशन जो चला रहे थे। यू नो उन्होंने बच्चों से पैसे ले लिए हैं एंड ये बच्चे कौन से हैं? मैंने आपको बताया 70% आए थे गांव से। अब वो आए थे, उन्होंने ना जाने कहां से लोन लेके यहां पे पहुंचे हैं। यहां पे लोन लेने के बाद वो पढ़ रहे हैं और उन्हें आशा दी जा रही है। ये आशा कौन दे रहा है? वो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाला। फाइनली उनको स्ट्रीट पे कौन भेज रहा है? इसका काफी योगदान है। और इसके अलावा ऐसे लोग हैं जो भड़कावे में आ रहे हैं। इसका हम कर रहे क्या है? इसका ऐसा करा जा रहा है कि हर एक इंडिविजुअल जो हमारे साथ अग्निवीर स्कीम में जुड़ना चाहता है वो अपना सर्टिफिकेट देगा, प्लेज करेगा कि उसने ना तो किसी प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया है ना ही किसी तोड़फोड़ में हिस्सा लिया है। ये प्रावधान करा गया है। एंड आप सबको मालूम है आजकल कहीं पे भी फोटो खींचेगी और वो आधार कार्ड के साथ जुड़ेगी, पुलिस वेरिफिकेशन 100%। कोई नहीं आ सकता फौज में विदाउट पुलिस वेरिफिकेशन। उसकी वो चिल्का जैसे सर ने बोला था पहुंचेंगे, वो नहीं पहुंच सकते चिल्का। अगर वो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं आर्मी के वो नहीं पहुंच सकते वहां पे। तो ये प्रावधान कर दिए गए हैं।
सो ये प्रोटेस्टर्स से ये जो भी इधर उधर यू नो घूम रहे हैं इनसे मेरी गुजारिश है कि ये समय वेस्ट नहीं करें. फिजिकल पास करना आसान नहीं है एंड जैसा कि आर्मी एयरफोर्स नेवी तीनों ने बताया वो समय दे रहे हैं 45 से 60 दिन का फिजिकल करने से पहले. क्यों? सो दैट आप फिजिकली तैयार हो जाए एंड ये टर्म्स एंड कंडीशन समझ लें सो दैट यू आर रेडी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ट्रेनिंग करने के लिए. धन्यवाद. So two questions. So one to General Puri. One question. Sir. One question. Okay, then I'll go for the COP, sir. So you mentioned that women would be recruited in the Agnipath scheme. So you're recruiting women in the sailors category, and would these women also be deployed on board ships? बिल्कुल Agnipath scheme जो है वो केवल you know other than officers rank के लिए है. लेकिन आपको पता होगा शायद कि भारतीय नौसेना में including at ships, on board ships, women officers कम से कम 30 सालों से कार्यरत हैं एंड एज वी स्पीक कम से कम 30 वुमेन ऑफिसर्स अभी भी कई जहाजों में सेल कर रही हैं नो समुद्र में. तो हमारी नौसेना ने डिसाइड किया कि समय आ गया है कि अग्निवीर तहत के स्कीम के तहत के अधीन हम लोग वुमेन सेलर्स भी भर्ती करेंगे और हर ट्रेड में भर्ती करेंगे विच विल इंक्लूड दीज अग्निवीर्स हु विल गो टू सी. जो 3000 अग्निवीर हमारे आएंगे इस साल उसमें से कुछ परसेंटेज कुछ नंबर्स वुमेन अग्निवीर रहेंगे वो हम अभी डिसाइड कर रहे हैं कितने डिपेंडिंग अपॉन किस किस जहाज में ये लोग जा सकते हैं और कितनी हमारी ट्रेनिंग फैसिलिटी उसके लिए रेडी है ये अगले कुछ दिनों में वो नंबर भी हम बता देंगे. Hi sir, Piyush here from Republic TV. Two questions to Lieutenant General Puri. One question. Yeah, only one question. So like you in your presentation mentioned that preferences have been, few states have already announced preferences to be given to Agniveers in state police. Would you request almost all state governments to do this and give preferences to Agniveers in state police or in other government services? This question ka hissa to aur nahi hai na. Aapne shuru kara tha, do question hai. Yeah, I just said one question. Okay, khatam ho gaya. Okay. See, shuruaat ho gayi hai. Aapne dekha ki Ministry of Home Affairs ne CAPF bola. स्टार्ट में स्टेट पुलिस बोला इंटेंशन दी फिर उसको एक्शन में लाई. थोड़ा और समय दीजिए ये एक्शन आ जाएगा. स्टेट पुलिस में आने का प्रेफरेंस आ चुका है मैंने आपको दिखाया प्रेफरेंस स्टेट पुलिस आ चुका है. अब आप चाहते हैं परसेंटेज दी जाए थोड़ा समय दीजिए बिकॉज यू सी इसके अंदर स्टेट देयर इज अ कंफ्यूजन. आई एम आस्किंग वुड यू रिक्वेस्ट ऑल स्टेट गवर्नमेंट्स टू एब्सोल्युटली यू आर राइट एब्सोल्युटली ऑल स्टेट गवर्नमेंट्स दे विल बी रिक्वेस्टेड. ये युवक कहां से आ रहे हैं ये कोई यू नो साथ वाले देश से तो आ नहीं रहे उसी स्टेट से आ रहे हैं उसी स्टेट में वापस जाएंगे. सो द स्टेट्स आर टाइड टू देम फॉर लाइफ सो इट्स नॉट समथिंग यू नो मध्य प्रदेश वाला राजस्थान में जाएगा मध्य प्रदेश वाला वापस मध्य प्रदेश ही जाएगा. तो स्टेट्स अपने आप करेंगी इसमें वो कुछ नहीं है बट हमने उनको रिक्वेस्ट डाली है जो आपका क्वेश्चन है. थैंक यू सर. अजीत दिस साइड. सर आई एम अजीत दुबे फ्रॉम ANIA. सर मैं पूछना चाहता हूँ ये जब आप लोग 2 साल से इस पूरी योजना के प्लान कर रहे थे तो क्या आप लोगों ने इस प्रकार के विरोध की एंटिसिपेशन की थी क्या सोचा था कि इस प्रकार का विरोध भी हो सकता है छात्रों के द्वारा और जो ये सर आप कह रहे हैं कि इन छात्रों को जो इस प्रकार की हिंसा और आगजनी में जो लिप्त पाए जाएंगे उनके लिए सेना में कोई स्थान नहीं है. मैं आपका नाम अजीत सर अजीत दुबे अगर मैं आपसे एक चीज पूछूं आंख बंद करिए और पूछिए फौज का आपसे एक चीज कौन सी सबसे जरूरी है बगैर उठाए बगैर सोचे आप बोलेंगे डिसिप्लिन. अगर हमारी डिसिप्लिन बुनियाद है तो कहां स्पेस है. देयर इज नो स्पेस है ना. मैंने शुरू में ही बोला जस्ट सिंपली नो स्पेस फॉर इन डिसिप्लिन. अब आपने मेरे को बोला कि उन लोगों को बुलाया जा रहा है ये करा जा रहा है. सी इट्स अ मैटर ऑफ क्या कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर एंड जो जो बच्चे मैं दोबारा दोहरा रहा हूं जो बच्चे हैं उन सबको बोला गया कि काइंडली राइट अ प्लेज एंड राइट प्लेज मतलब दिस इज पार्ट ऑफ द क्या कहते हैं एनरोलमेंट फॉर्म कि मैं किसी पुलिस या ये आर्सन इसके अंदर नहीं जुड़ा हूं. उसके साथ उसका पुलिस वेरिफिकेशन होगा ही होगा अगर ना जाने किसी वजह से FIR लॉन्च उसके ऊपर लॉन्च हुआ तो वो नहीं आ सकता. इट इज सिंपल. थैंक यू. हाँ जी. अच्छा हाँ एंटिसिपेशन देखिए अगर बुनियाद हमारी डिसिप्लिन है ये देर इज नो वे कि ये यूथ इनडिसिप्लिन पे आएगा. ये क्यों आया ये इसलिए नहीं आया कि यू नो उसकी मन की भावना को हमने छेड़ा है इसलिए नहीं आया. आपके जैसे और मेरे जैसे पीछे बैठे हैं उसको धक्का मारने वाले जो 27 साल 30 साल से ऊपर के हैं. आप कोई वीडियो देख लीजिए कोई भी वीडियो देख लीजिए पहली चीज उसकी उम्र देखोगे. उस बच्चे से कोई पूछता है आप में से एक गया पूछने के लिए यहां क्यों ऐसे कर रहा है अग्निपथ के अगेंस्ट कर रहा हूं आपने कैप्चर करा इतना ब्यूटीफुली अग्निपथ क्या है कहता पता नहीं. यू नो सो आपको पता है कि ग्राउंड पे क्या हो रहा है. सो ऑब्वियसली ये हम एंटिसिपेट नहीं करेंगे एंड किस लिए करेंगे ये हमारा काम भी नहीं है ये लॉ एंड ऑर्डर का काम है. अगर ऐसा होगा तो कोई टैकल करेगा इसको बट हमारे पास स्पेस नहीं है उनके लिए. थैंक यू. कविता सर गुड आफ्टरनून.
मेरा सवाल सभी से सभी थोड़ा माइक में बोलिए, आवाज कम आ रही है। कर सकता है, मैं कविता जोशी हूँ हरिभूमि न्यूज़पेपर से। सर 14 जून को ये स्कीम जो है उसकी घोषणा की गई रक्षा मंत्री और तीनों सशस्त्र सेनाओं के प्रमुखों के द्वारा। उसके बाद 5 दिन के अंदर पूरा देश जल रहा है, तोड़फोड़ हो रही है, आगजनी हो रही है, और इसी 5 दिन के अंदर आपने स्कीम में कई मेजर अमेंडमेंट्स भी किए हैं। अब यूथ की तरफ से जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज जो उनके सपोर्ट में आ गई हैं, उनका यह कहना है कि सरकार को किसी भी कीमत पे इस स्कीम को रोल बैक करना होगा, हम इसको इंप्लीमेंट नहीं होने देंगे। अमेंडमेंट्स आपकी तरफ से किए जा रहे हैं, सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं, तो अब ये माना जाए कि आप लोग की तैयारी हो चुकी है, रोल बैक की कोई संभावना नहीं है, इसको हर हाल में रक्षा मंत्रालय भारत सरकार लागू करेगी। देखिए ये जो एस्पिरेशन थी ना हमारी बदलाव करने की, आज की नहीं थी। 1989 का डॉक्यूमेंट तो मैंने आपके सामने रख दिया, कारगिल रिव्यू कमेटी, चाहे वो श्रीलंका की लड़ाई हो, सब किस्म की लड़ाइयों में यही बोला कि भाई थोड़ा जैसे बी कॉम्प्लेक्स भर दो फौज के अंदर, उसी तरीके से यूथफुलनेस भर दो फौज के अंदर, ये तय करा गया, बट ये हम कर नहीं पाए। अच्छा अब हमने ये कर दिया, ये ऐसे नहीं करा है कि किसी ने बोला है करा है, ये हमारी खुद की एस्पिरेशन थी। मैंने आपको शुरू से बोला कि जो हमारे तीन इससे पहले चीफ थे आर्मी नेवी एयरफोर्स के, साथ में जनरल बिपिन रावत, 2 साल से इसके ऊपर काम कर रहे हैं। यानी काम करना ऐसे नहीं है कि थोड़ी सी गुफ्तगू कर ली खत्म कर लिया, नो, ये इस डिटेल्स में हर एक चीज की डिटेल के अंदर कि इसको ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। जब आपका प्रश्न आया कि आप बदलाव करने लग गए हो, सी बदलाव हमारी जरूरत थी कि 21 साल वाली जरूरत हो, बट युवाओं का दर्द समझा गया, इसके ऊपर भी हमारे से मीटिंग करी गई कि ये जो 2 साल की रिलैक्सेशन कोविड की वजह से है दी जाए या नहीं, इसके ऊपर काफी डिस्कशन हुई। एंड ये हमें पहले मालूम था कि ऐसे आ सकता है, हमारी तमन्ना वही रहेगी यंग आर्मी एज सून एज पॉसिबल, बट उसके अंदर ये 2 साल की जो हमारी युवाओं को पीड़ा पहुंची है उसको मद्देनजर रखते हुए करी गई है। कमिंग टू अदर थिंग्स, वो प्लान है, कोई किसी वजह से ये इधर उधर आसन करने की वजह से नहीं हो रहा, ये सब प्लान था कि आज ये बोलेंगे कल वो एक्शन में बदली होगा, आज ये बोलेंगे कल वो एक्शन में बदली होगा। जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं, 85 इंडस्ट्रीज ने बोला है कि हम इनको लेना चाहेंगे, बट ओवरनाइट नहीं ले सकते। हम अगर सारी इंडस्ट्रीज को पहले से ही बता देते कि भाई आ रहे हैं आपके पास तो आप इनको लोगे क्या, कितनी मात्रा में लोगे, वो कैसे जवाब दे सकता है, वो पूछेगा भाई स्किल क्या है आपका, कितने आएंगे, कब आएंगे, कितनी उम्र होगी। सी ये सब डिटेल्स करने में समय चाहिए, ये इसके लिए ओवरनाइट सोल्यूशन नहीं है। कमिंग टू रोल बैक ऑफ द स्कीम, नो, एंड व्हाई शुड इट बी रोल्ड बैक, इट इज द ओनली प्रोग्रेसिव स्टेप टू मेक द कंट्री यंग, व्हाई इज इट बीइंग मेड यंग, वी आर टिंकरिंग विद देश की रक्षा, इट इज नो स्पेस, एक ही सिर्फ है देश की रक्षा करने के लिए। और देश की रक्षा करने के लिए मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, पता है कितनी कैजुअलिटीज आती है जस्ट फॉर हेल्थ पर्पसेज फ्रॉम हाई एल्टीट्यूड एरियाज, आप पढ़िएगा, ओके, तो तब आपको पता चलेगा यंग क्यों जरूरी है, ओके, एंड क्या जरूरत है उसकी। तो ये रोल बैक करने की तो मेरी तरफ से तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि बिल्कुल रोल बैक नहीं। थैंक यू आशीष सिंह। आशीष सिंह फ्रॉम TV9। मेरा क्वेश्चन जनरल पुरी से है कि मेन इश्यू जो हम देख रहे हैं, जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं वहां पर, वो उनमें से अधिकतर लोगों का ये कहना है जो यूथ प्रोटेस्ट कर रहा है कि जो 3-4 साल पहले रिक्रूटमेंट को लेकर प्रोसीजर्स हुए थे, फिर उसके बाद में उन्हें लर्च में छोड़ दिया गया है, उन्हें कुछ रिप्लाई नहीं मिल रहा, रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, उसको लेकर अगर आप कुछ क्लैरिटी दे सके कि क्या वो दरवाजे परमानेंटली अब बंद ही हो गए हैं जो 2018-19 में रिक्रूटमेंट प्रोसीजर की गई थी। और दूसरा प्रश्न ये, लेकिन एक सब सेक्शन है उसी में अगर आप इंक्लूड कर सकें, जो अग्निवीर पूरे अगर हम 100% कैपेसिटी वाइज देखेंगे तो 15 से 20 साल लगेंगे आपको पूरी स्ट्रेंथ करने के लिए। क्या इस दौरान जो 20% 30% अग्निवीर आप इंडक्ट करते जाएंगे धीरे धीरे, बाकी रूटीन जो नॉर्मल रिक्रूटमेंट प्रोसीजर है क्या वो चलती रहेगी? आशीष, ये जो 2 साल की डिले करी गई है ना, 21 साल से 23 साल की, ये उन्हीं के लिए करी गई है जो जिन्होंने प्रतिक्रिया शुरू करी थी और प्रतिक्रिया खत्म नहीं करी। मैं आपको बताना चाहूंगा प्रतिक्रिया के, जैसे एजी साहब ने बताया 3 स्टेजेस हैं, ओके, सबसे जरूरी स्टेज है एंट्रेंस एग्जाम, उन्होंने नहीं दिया, ओके, सो एंट्रेंस एग्जाम उन्होंने दिया नहीं है, तो अगर एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया है उनको, उनकी वजह से यह मौका दिया जा रहा है कि 2 साल और, बिकॉज वो पिछले 2 साल में एजेड हो गए हैं तो वो हमारे साथ अग्निवीर स्कीम के साथ जुड़ सकते हैं। बस यही प्रावधान कर रहे हैं हम कि वो अग्निवीर स्कीम के साथ, तीनों सर्विसेज के साथ सेम चीज है कि वो हमारे साथ जुड़े, हाउएवर अग्निवीर स्कीम के साथ, एंड उन्होंने जो हमारे साथ काम करा है, उन्होंने जो पहले करा था। देखिए आप में से अगर मैं पूछूं ना कोविड के शिकार कितने हुए हैं, तो मैं पूछना नहीं चाहता, बट आपके कई सारे हाथ उठेंगे। उस कोविड की वजह से क्या आपकी शरीर में नुकसान पहुंचा हमें नहीं पता, हमने 1.5 साल से तो किसी को देखा भी नहीं है मेडिकली, सो ये सब चिंताएं हमारे पास है। आफ्टरऑल हमको आगे लेके किनको जाना है, फिट पीपल को, डिसिप्लिन पीपल को, डिसिप्लिन तो हम करवा लेंगे बट फिट तो अपनी अंदर की शक्ति है, तो ये हमारे साथ बच्चे आएंगे, इन्हीं की वजह से हमने ये 2 साल का प्रावधान करा है, बट वो अग्निवीर के तौर पर ही आएंगे, उनसे वॉलंटियर सिस्टम हम उनसे पूछा जाएगा कि वो आना चाहेंगे या नहीं। इन एनी केस एजी ने आपको बताया कि वेबसाइट ओपन करी जा रही है, एंड उसके ऊपर अप्लाई करेंगे। थैंक यू। रिक्रूटमेंट वाला सर,
रूटीन रिक्रूटमेंट वाला जो पूछा था मैंने कि क्या रूटीन रिक्रूटमेंट भी चलता रहेगा क्योंकि अग्निवीर तो आप कुछ कुछ परसेंटेज ही अब्सॉर्ब कर पाएंगे ना? नो ओनली थ्रू अग्निवीर आशीष, नो चेंज, विल बी नो चेंज. थैंक यू आशीष. सर राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया. मेरा सवाल है कि कई सारे युवा ऐसे हैं जिन्होंने कई सारे एग्जाम पास कर लिए थे. मेरे सवाल सुन लीजिए सर, उन्होंने फर्स्ट फेज पास कर लिया था कि नहीं, क्या मेडिकल हो गया था, कोई कॉल लेटर का वेट कर रहे थे कि उन्होंने, तो उनका क्या होगा सर? और इस तरह के नंबर कितने हैं जो युवाओं का, उनका क्या होगा? वो सारे जो एग्जाम उन्होंने पास किए हैं, चाहे मेडिकल पास किया है, कोई दौड़ पास किया है, वो सारे वो सब खत्म हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे? और क्या जो आप कह रहे हैं कि हिंसा की जो बात कर रहे हैं, उनको फेस देना पड़ेगा? क्या युवा इसे एक कह सकते कि धमकी के तौर पर लें या अनुशासन कैसे लें इसको? कि आप इसका जवाब मैं दूंगा. शायद हमारी रिक्रूटमेंट प्रोसेस सबसे आगे बढ़ी हुई थी जब इसको रोका गया. तो अब सारी रिक्रूटमेंट सिर्फ अग्निवीर के थ्रू ही होगी. एज की सीमा बढ़ा दी गई है 21 से 23. जो एलिजिबल हैं वो एक बार फिर इस सिस्टम में, इस प्रोसेस में जो मैंने अभी पहले बताया, उसमें अप्लाई करेंगे. दो साल एक लंबी अवधि होती है, मेडिकल कंडीशन उनकी वगैरह, तो इनका एक बार फिर से स्क्रीनिंग होगा, फुल प्रोसेस, एंड उसके बाद ही एयरफोर्स में चयन किया जाएगा. नीरज. सर नीरज राजपूत दिस साइड, एबीवी न्यूज से हूँ. जनरल पुरी या एयर मार्शल जहा दे सकते हैं सवाल, जवाब दे सकते हैं. पहले तो ये कि आपका कहना कि करगिल रिव्यू कमेटी और इन सबकी रिपोर्ट्स आई थी कि, और इतना लंबे समय से काम चल रहा था, लेकिन जब ये प्लान बनाया गया, मॉडल तैयार किया गया, लेकिन उसके दो तीन दिन के भीतर ही उसमें अमेंडमेंट कर दिया गया कि 23 साल वालों के लिए भी उसमें एज रिलैक्सेशन दिया गया, तो क्या ये क्या बहुत जल्दबाजी में मॉडल तैयार किया गया? और दूसरा ये कि जब 23 साल की उम्र आपने कर दी है, क्योंकि जैसे पहले वाला सवाल था कि एयरफोर्स की जो 2019 की जो रिक्रूटमेंट थी वो प्रोसेस पूरा हो चुका था, सिर्फ रिजल्ट आना बाकी था, तो क्या उसको फाइनल निकाल नहीं सकते हैं जब हम एज रिलैक्सेशन दे रहे हैं? तो ये सिमिलर है. फिलहाल मैं बस मैं बता दूं कि अब सारी रिक्रूटमेंट अग्निवीर के तहत ही होगी. जो एलिजिबल है वो इस प्रोसेस को में फिर से अप्लाई करेंगे. दूसरी बात जहां तक रही कि कितनी डिस्कशन हुई थी, ट्वीकिंग सिर्फ एक हुई है और वो भी अ वन टाइम एक्सेप्शन ऑफ 2 ईयर एक्सटेंशन. अदरवाइज जो 14 तारीख को अनाउंस हुआ था वो आज भी वैलिड है और वो रहेगा. तो ये भी बता दूं कि दिस वॉज अ वेरी इंगेज्ड प्रोसेस एंड इट हैज बीन रिपीटेडली मेंशन दैट एट ऑल लेवल्स इट वॉज एन एक्सट्रीमली इंगेज प्रोसेस एंड दिस वॉज द ऑप्टिमम सोल्यूशन. अ मिक्स ऑफ ग्रेजुअल इंडक्शन. फॉर एग्जाम्पल इन द इंडियन एयरफोर्स द फर्स्ट ईयर इज ओनली 2%, बाय द एंड ऑफ फोर्थ ईयर इज ओनली 10%. तो अगर ये है तो आप समझ सकते हैं कि हमें भी फुर्सत दिया जा रहा है कि इसको इंडक्ट करें, माइनर ट्वीकिंग करें अपनी ट्रेनिंग में, इनकी यूटिलाइजेशन में, इन जो इंडस्ट्री से या बाकी जगह से बातचीत करनी है, यूजीसी से बात करना है, एनआईओएस से करना है, कि कैसे इनको सशक्त किया जाए जो हमने प्रॉमिस किया है. इसके लिए समय दीजिए. ओके, लास्ट क्वेश्चन पीछे. सर मेरा नहीं. सर पेशेंस प्रशांत जनरलपुरी. सर दिस साइड प्रशांत हूं मैं, न्यूज 24 से. सर आप न्यूज 24 से प्रशांत देव श्रीवास्तव बोल रहा हूं. मेरा सवाल ये सर, आपने कहा 25% का ख्याल आप रखेंगे, रख लेंगे इस स्कीम में, और 75% का बाहर के लोग, देश के लोग ख्याल रखेंगे. तो जो 75% लोग बाहर आएंगे तो उनका ख्याल जो भी रखा जाएगा, प्रायोरिटी दी जाएगी, कहीं ब्लैक एंड व्हाइट पे होगा ये? या फिर अगर कहीं उनको दिक्कत होती है तो क्या सेना एयरफोर्स उनका ध्यान रखेगी? मतलब उनको कोई दिक्कत होती तो कहां जाएंगे अगर वो नौकरी करना चाहते हैं? प्रायोरिटी मिलेगी, रिजर्वेशन मिलेगा, कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में भी होगा 75% लोगों के लिए? हाँ देखिए प्रशांत, आपका क्वेश्चन सबसे जरूरी क्वेश्चन है और वो भी हम भी हमेशा यही सोचते रहे हैं, 4 साल बाद क्या. नाउ देखिए, फौज के अंदर अनलाइक एनी अदर सर्विस इन द कंट्री, जैसे माँ अपने बच्चे के साथ अम्बिलिकल कॉर्ड जुड़ जाता है ना, वो परमानेंट जुड़ा रहता है. तो हमारा जो साथ है वो वूम टू टूम है ना. हमारे साथ एक बार जो जुड़ गया वो जुड़ गया. ओके, ये पहली चीज. दूसरा, आपने खुद ही बोला कि ये मध्य प्रदेश के हैं तो मध्य प्रदेश वापस जाएंगे, ये देश की शक्ति है तो देश की शक्ति को उनका ध्यान रखना पड़ेगा. तीसरी चीज जो आपने बोली, इसके लिखाई के अंदर कुछ होगा. देखिए, आपके सामने ये पर्दा पूरा खिल के निकल रहा है. 15 तारीख को किसी ने सिर्फ इंटेंट दिया, 2 दिन बाद उसने एक्शन दिया. ये सब लिखाई पढ़ाई को कन्वर्ट करने में थोड़ा समय दीजिए. जैसे मैंने आपको बोला था, अगर आज मैं आपको अग्निवीर भर्ती करता हूं तो आप अपने प्रदेश में 4.5 साल बाद वापस जाएंगे. तो समय दीजिए, ये हो जाएगा, थोड़ा भरोसा रखिए. सर मेरा सवाल है, एक सवाल है सर मेरा. ओके, वन मोर. सर नीरज, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हैव बीन ऑलरेडी आंसर्ड. नहीं, मेरा सवाल आंसर नहीं हुआ, कुछ छोटे हैं. सर पूरी, सर नीरज हूँ नेटवर्क 18 से.
मेरा सवाल है कि जिस तरह से आपने पुरानी भर्ती प्रक्रिया को बिल्कुल हटा दिया और अग्निवीर इंट्रोड्यूस किया है, ऐसा संभव था कि वैकल्पिक तौर पे आप दोनों को रखते और जो भी सेना में आप तीनों सेनाओं में भर्ती होना चाहते थे वो आते वैकल्पिक तौर पे, वो बेहतर होता जिस तरह से करोड़ों का नुकसान हुआ और आप बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि प्री प्लान था, तो अगर प्री प्लान था तो आप लोग एंटिसिपेट क्यों नहीं कर पाए थे कि इस तरह का विरोध हो सकता है? पहली चीज, ये एंटिसिपेट हम क्यों करेंगे? हमारे पास डिसिप्लिन लोग आ रहे हैं, देशभक्त आ रहे हैं, हमारे साथ काम करने के लिए आ रहे हैं। देखिए, खुदा ने और नेचर ने हमें वो मौका दिया कोविड का, ओके। अगर ये मौका नहीं आता तो हम तो 1984 लगे हुए थे। आपको आर्टिकल मैंने दिखा दिया जो आप में से एक ने लिखा है, हम 1984 से लगे हैं कि किस दिन कम करें किस दिन कम करें। ये शायद ऊपर वाले ने सुना या नेचर ने सुना, इसके अंदर मैं आपको नहीं बता सकता, बट उसने यही मौका दिया। इससे सुनहरा मौका नहीं था, दर्द सबसे कम इसी मौके में थी, एंड इट वॉज गॉड सेंट। एंड किसी वजह से हमने इसको टाइम कराया, एंड यू नो इस टाइम करने के लिए एनर्जी लगी है, एंड सबकी एनर्जी लगी है, चाहे हमारे भूतपूर्व सैनिक हो और या प्रेजेंट सैनिक हो। थैंक यू। मेन सवाल नहीं हुआ कि दोनों दो पुरानी भर्ती प्रक्रिया जो थी और अग्निवीर को साथ में नहीं चला सकते थे, मेन सवाल का जवाब नहीं। नीरज जी, वी हैव अनदर एंगेजमेंट। थैंक यू वेरी मच फॉर योर क्वेश्चंस एंड पेशेंस। देयर इज टी लेड आउट इन द रूम ऑन योर लेफ्ट, प्लीज जॉइन अस फॉर टी। थैंक यू सर।